हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर राजेंद्र मोतिंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिक्स पॉइंट जो है सिमिलर टॉपिक का वो देखने वाले हैं। ये सिक्स पॉइंट में हम देखने वाले हैं टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ये हमारा सिक्स पॉइंट है सिमिलरिटी टॉपिक का। अब टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी हमें देखने से पहले तो सिमिलरिटी क्या होती है ये सबसे पहले हमें पता होना है। व्हाट डू यू मीन बाय द सिमिलरिटी, व्हाट डू यू मीन बाय द सिमिलर ट्रायंगल और सिमिलर फिगर। सबसे पहले तो सिमिलर फिगर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिमिलर फिगर। देखिए दोस्तों, सिमिलर फिगर का मतलब होता है कि जो डायग्राम, जो शेप और जो डायग्राम है जिनका शेप सेम है। जैसा अगर हम लेते हैं ये सर्कल है और ये दूसरा सर्कल, ये दोनों भी डायग्राम का जो शेप है वो सेम है और उसका जो मेजरमेंट है वो प्रोपोर्शन में है। ओके, मेजरमेंट इज इन प्रोपोर्शन एंड द शेप ऑफ डायग्राम इज द सेम। जैसा ये सर्कल है और ये सर्कल है, दोनों भी दिखने को सेम है, तो सो दिस इज कॉल्ड द सिमिलर शेप और द सिमिलर डायग्राम, सिमिलर फिगर। सपोज ये ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है। ओके, ये दोनों डायग्राम का जो लुक है वो सेम है। It looking same means the two or more diagram having same in shape, okay, and measurement is in proportion. Measurement उसका अगर proportion में होता है, तो then this diagram is known as the similar diagram. वो diagram कोई भी हो सकती है। जैसा consider करते हैं हम, ये quadrilateral है और ये एक दूसरा quadrilateral है, तो ये दोनों quadrilateral का जो shape है वो same है। So this diagram is known as the similar figure or this figure is known as the similar figure. Okay. अगर हम कुछ एग्जाम्पल सिमिलरिटी के बारे में, अब सिमिलरिटी की डेफिनेशन तो हमने देखी, सिमिलर मतलब क्या होता है, सिमिलर फिगर या सिमिलर फिगर का मतलब होता है फिगर और अ डायग्राम विच हैविंग सेम इन शेप and the measurement are in proportion. Are in same proportion, हम बोल सकते हैं यहां पर एक ले लेंगे सेम प्रोपोर्शन, इज कॉल्ड दिस डायग्राम। एक से ज्यादा डायग्राम हो सकते हैं या फिगर्स होते हैं, फिगर्स और डायग्राम्स। ओके, are in same proportion are called similar figure or similar diagram. These are called similar figures or similar diagrams. Okay, तो ये टाइप में हम वो डायग्राम को बोल सकते हैं सिमिलर डायग्राम या सिमिलर फिगर, जिनका शेप सेम होता है बट मेजरमेंट जो है वो मे बी सेम हो सकता है या मे बी इज इन प्रोपोर्शन। वो एक तो प्रोपोर्शन में होता है या सेम होता है, तो वो टाइप के डायग्राम को हम बोलते हैं सिमिलर डायग्राम। अगर कुछ एग्जांपल अगर हम लेते हैं हम डे टू डे लाइफ के, जैसा हमारा भारत है इंडिया और इंडिया, ओके, और उसके साथ हमारे भारत का मैप है द मैप ऑफ इंडिया। तो ओरिजिनल भारत जो है वो भारत और भारत का मैप, ये दोनों दिखने को कैसा है, सेम है। और इनके जो मेजरमेंट, जो डायग्राम, जो मैप बनाए गए हैं वो एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन से वो बनाए गए हैं। ओके, दैट्स व्हाई आवर इंडिया एंड मैप ऑफ इंडिया बोथ आर सेम इन शेप। ओके, आवर मेजरमेंट इज इन प्रोपोर्शन, दैट्स व्हाई दिस डायग्राम इज नोन एज अ सिमिलर डायग्राम और सिमिलर फिगर। अगर हम देखते हैं हमारी अर्थ, और अर्थ का जो प्रोसाइकल हमारे स्कूल में होता है, जो ग्लोब होता है अर्थ का, अर्थ ग्लोब, तो वो अर्थ ग्लोब और जो अर्थ है वो दोनों दिखने को कैसे है, सेम है। और उसके मेजरमेंट जो दिया ले है वो मेजरमेंट भी प्रोपोर्शन में है। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो अनदर एग्जांपल ऑफ सिमिलर फिगर और सिमिलर डायग्राम। ओके, तो ऐसे हम कभी कुछ मंदिर या मस्जिद या कंसिडर करते हैं, हमें कुछ बिल्डिंग्स बनाना है या कोई कंस्ट्रक्शन करना है अलग टाइप का, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक मॉडल बनाते हैं। तो जो मॉडल हम बनाते हैं तो उसमें जो डायग्राम ओरिजिनल हमें दिखाई देने वाली है उसी की जैसा ही हम एक डायग्राम या एक
शेप हम बनाते हैं, एक मॉडल बनाते हैं जिसमें मेजरमेंट जो है लगभग प्रोपोर्शन में होते हैं। सारे मेजरमेंट हम प्रोपोर्शन में लेते हैं और वो प्रोपोर्शन में लेके हम क्या करते हैं, वो टाइप का एक मॉडल बनाते हैं। तो इसे भी हम बोलते हैं सिमिलर डायग्राम और सिमिलर शेप। तो ये होते हैं सिमिलर। अब अगर हमें ये टॉपिक में सिमिलरिटी के बारे में देखना है तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल हमें ये पढ़ना है। ये टॉपिक में हमें ट्राइंगल की सिमिलरिटी इस टॉपिक में हमें देखना है। तो हम देखने वाले हैं ट्राइंगल की सिमिलरिटी। जैसा दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं, ये ट्राइंगल है पहला और ये दूसरा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ए बी सी और ये दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। अगर हमें ये ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है तो ये सिमिलर का सिंबॉल है, दिस सिंबॉल इज रिप्रेजेंटेड टू थिंग्स और टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। जैसा ये पहला ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल हमने सिमिलर देखा है। अब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं इसका मतलब क्या होता है कि इसके जो एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं और जो साइड होते हैं वो प्रोपोर्शन में होते हैं। मीन्स ईच एंड एवरी ट्राइंगल हैज द सिक्स करस्पॉन्डिंग थिंग्स। अब ये छह करस्पॉन्डिंग थिंग क्या है कि तीन एंगल होते हैं और तीन जो होते हैं वो साइड्स होते हैं। जैसा अगर हम देखते हैं एंगल्स, अब ये जो ट्राइंगल है पहला ए बी सी, ए बी सी का अगर एंगल देखते हैं ए, तो ए का करस्पॉन्डिंग एंगल हम ले लेंगे पी, ए करस्पॉन्ड्स टू पी। एंगल बी अगर लेते हैं तो बी का करस्पॉन्डेंस एंगल जो है वो है क्यू। एंगल सी लेते हैं तो एंगल सी का करस्पॉन्डेंस एंगल है आर। तो ये जो एंगल होते हैं ये कॉन्ग्रेंट होते हैं, मीन्स ये करस्पॉन्डेंस एंगल है एंगल ए कॉन्ग्रेंस टू एंगल पी, एंगल बी कॉन्ग्रेंस टू एंगल क्यू, एंगल सी कॉन्ग्रेंस टू एंगल आर। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं मीन्स फर्स्ट विथ फर्स्ट, सेकेंड विथ सेकेंड, थर्ड विथ थर्ड, ओके, मीन्स दिस आर द वर्टेक्स करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, ओके। तो ये हो गए इसके एंगल्स। एंगल जो होते हैं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं और जो साइड होते हैं वो प्रोपोर्शन में होते हैं। जैसा अगर हम साइड लेते हैं तो पहले दो वर्टेक्स ले लेंगे, इसके भी पहले दो वर्टेक्स ले लेंगे, मींस ए बी करस्पॉन्ड्स टू ए बी, ए बी करस्पॉन्ड्स टू पी क्यू। अब बी सी, बी सी का करस्पॉन्ड से क्यू आर, इसके दूसरे दो और इसके भी दूसरे दो, मतलब बी सी करस्पॉन्ड्स टू क्यू आर फर्स्ट एंड लास्ट, ए सी इधर भी फर्स्ट एंड लास्ट करस्पॉन्ड्स टू पी आर। तो ये करस्पॉन्डेंस हो गया साइड का। ये जो साइड होते हैं करस्पॉन्डिंग साइड वो होते हैं प्रोपोर्शन में, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, उसके बाद बी सी अपॉन क्यू आर, इनका जो रेशियो आएगा वही रेशियो इनका भी आएगा, ए सी अपॉन पी आर। मतलब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इसके सिक्स जो थिंग्स है उसके बारे में हम सोचते हैं कि इसमें तीन ट्राइंगल जो एंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं और तीन जो साइड होते हैं वो प्रोपोर्शन में होते हैं, अगर एंगल कॉन्ग्रेंट होते तो, बस सिमिलर होते तो, ठीक है। तो ये एंगल की सिमिलरिटी होगी। तो अभी हमारे पास जो सिक्स थिंग्स हमारे पास है, छह चीजें हमारे पास है, इसमें से हमें अगर कोई ट्राइंगल सिमिलर दिखाना है तो हमें इसमें से तीन चीजों की ही जरूरत है। कोई भी तीन चीजें हम दिखा के ये जो है ट्राइंगल को हम सिमिलर दिखा सकते हैं। तो ये जो जो कंडीशन होते हैं, जो सफिशियंट कंडीशन होते हैं कोई भी ट्राइंगल सिमिलर दिखाने के लिए, जो तीन जो चीजें हैं हम दिखा के कॉन्ग्रेंट या इवन हम प्रोपोर्शन में दिखा के जो है वो ट्राइंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक कंडीशन जो होती है तो उसे ही हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, जिसमें तीन चीजें हमें जरूरी होती है। तो टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी में हम देखने वाले हैं, यहाँ पे चार टाइप के टेस्ट देखने वाले हैं, जिसे पहला टेस्ट अगर हम बोलते हैं तो उसे बोलेंगे एस 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 टेस्ट, साइड 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 टेस्ट। मतलब जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल के अगर तीनों साइड प्रोपोर्शन में होते हैं तो वो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, मतलब बाकी के जो साइड्स है वो भी उसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन में और कॉन्ग्रेंट होते हैं। जैसा एंगल है तो एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं और साइड है तो साइड प्रोपोर्शन में होते हैं। तो ये है एस 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 टेस्ट। जैसा ये ट्राइंगल है ए बी सी और ये दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर,
अब ये दोनों ट्राइंगल के जो साइड है करस्पॉन्डिंग साइड, सपोज ए, ए करस्पॉन्ड्स टू पी, बी करस्पॉन्ड्स टू क्यू, सी करस्पॉन्ड्स टू आर, ये करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है। तो इसके अकॉर्डिंग टू ये जो साइड है, पहली साइड है ए बी, दूसरी साइड है इसकी पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू, उसके बाद बी सी करस्पॉन्ड्स टू क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर, और ए सी करस्पॉन्ड्स टू पी आर, ए सी करस्पॉन्ड्स टू पी आर। अगर ये तीनों साइड प्रोपोर्शन में आते हैं तो ये ट्रायंगल बाय टेस्ट ऑफ एस एस एस, ये जो सिमिलरिटी के टेस्ट है, ये टेस्ट के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आते हैं। सो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस 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 टेस्ट। अगर हमें देखना है दूसरी वाली टेस्ट देखना है तो इसमें हम देख सकते हैं एस ए एस टेस्ट, मतलब दो साइड और एक एंगल, दो साइड प्रोपोर्शन में है और एक एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। जैसा अगर हम देखते हैं ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं जो भी साइड हम प्रोपोर्शन में लेने वाले हैं वो साइड के बीच वाला एंगल हमें होना है। जैसा अगर हम करस्पॉन्डेंस देखते हैं ए बी सी करस्पॉन्ड्स टू पी क्यू आर, ये करस्पॉन्ड्स में अगर हम देखते हैं तो अगर हम ए बी और बी सी ए साइड लेते हैं तो बी एंगल कॉन्ग्रुएंट होना है। अगर हम सपोज कंसीडर करते हैं कि ए सी और बी सी ए साइड लेते हैं तो सी एंगल कॉन्ग्रुएंट होना है। अगर हम ए बी और ए सी लेते हैं तो ये ए वाला एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होना है। तो ये अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो वो ट्रायंगल एस ए एस फेस के हिसाब से सिमिलर होते हैं। जैसा अगर हम देखते हैं सपोज कंसिडर करेंगे ये एंगल बी और ये एंगल क्यू, जो करस्पॉन्डेंस है बी को करस्पॉन्ड्स क्यू है, तो एंगल बी कॉन्ग्रुएंस टू एंगल क्यू, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है और जो साइड है उसके वो साइड प्रोपोर्शन में है। जैसा अगर बी और क्यू लेते हैं तो इसके जो साइड्स हैं वो ए बी और दूसरी है बी सी, तो ये ए बी करस्पॉन्ड्स टू यहां पर आ जाएगा पी क्यू, और इसकी जो दूसरी साइड है वो है बी सी करस्पॉन्ड्स टू क्यू आर, ये साइड प्रोपोर्शन में है और एंगल जो है एंगल बी कॉन्ग्रुएंस टू एंगल क्यू। अगर ऐसा आता है ये कंडीशन फुलफिल होती है तो देन दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जैसा ट्रायंगल ए बी सी है सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस टेस्ट, ये टेस्ट के हिसाब से ये ट्रायंगल सिमिलर आ गया। और जो तीसरी टेस्ट है हमारी वो होती है ए ए ए टेस्ट। ये टेस्ट के हिसाब से दो ट्रायंगल जो होते हैं, जो ट्रायंगल है उसमें अगर पूरे पूरे एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ए ए ए टेस्ट, ये है हमारी तीसरी टेस्ट ए ए ए टेस्ट। ये टेस्ट के हिसाब से सपोज ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ये दोनों ट्रायंगल के अंदर अगर देखते हैं ए बी सी करस्पॉन्ड्स टू पी क्यू आर, तो ये ए बी जो है एंगल ए कॉन्ग्रुएंस टू एंगल पी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंस टू एंगल क्यू, एंगल सी कॉन्ग्रुएंस टू एंगल आर। अगर ये होते हैं तो देन दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए ए ए टेस्ट, मींस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये होता है। अगर हम देखते हैं इसी के अंदर ये जो ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल के अंदर हमें ये जो तीन एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट दिखाने की जगह पे हम दो एंगल भी कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं, क्योंकि दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट आते हैं तो बाय डिफॉल्ट तीसरा जो एंगल होता है वो कॉन्ग्रुएंट ही एंगल, मतलब इसमें हमें ये जो टेस्ट है इस टेस्ट में हमें दो एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना ये भी चीज सफिशियंट है, तो जिसे हम ए ए टेस्ट बोलते हैं, जिसमें हमें तीन एंगल दिखाने की जरूरत नहीं है, दो एंगल भी हम दिखाते हैं कॉन्ग्रुएंट, देन दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जैसा अगर मैं लेता हूं ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, अब ए बी सी करस्पॉन्ड्स टू पी क्यू आर, कोई भी दो एंगल अगर मैं यहां पे कॉन्ग्रुएंट दिखाता हूं देन दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए ए टेस्ट। जैसा एंगल ए कॉन्ग्रुएंस टू एंगल पी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंस टू एंगल क्यू, देन द ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय ए ए टेस्ट।
तो हमें दो ट्रायंगल अगर सिमिलर दिखाना है तो इसके लिए हम ये चार में से कोई भी टेस्ट हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो हिसाब से अगर हमें ये अकॉर्डिंग टू एस 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 टेस्ट देन वी कैन शो द टू ट्रायंगल सिमिलर बाय एस 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 टेस्ट। अगर हमें दो साइड और एक एंगल दिया जाता है देन वी कैन शो द दिस ट्रायंगल सिमिलर बाय एस ए एस टेस्ट। अगर हमें तीन ट्रायंगल दिए जाते हैं देन वी कैन शो द ट्रायंगल सिमिलर बाय ए ए ए टेस्ट। ओके, और हमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है दो एंगल भी देते हैं तो वो ट्रायंगल हम सिमिलर दिखा सकते हैं बाय ए ए टेस्ट। तो ये चार टेस्ट हम यूज करते हैं ट्रायंगल सिमिलर दिखाने के लिए। अगर ट्रायंगल सिमिलर आते हैं तो उसके करस्पोंडेंस जो साइड है वो प्रोपोर्शन में आते हैं और करस्पोंडिंग एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट आते हैं। तो हमने सिमिलिटी के टेस्ट चार टेस्ट हमने कुल देखे जिसमें हम तीन ही टेस्ट देखते हैं और ये जो चौथी टेस्ट है वो ही सब टेस्ट है ए ए ए टेस्ट की। ओके, तो अब हम देखते हैं अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसा ट्रायंगल के सिमिलिटी के प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जैसा अगर हम देखते हैं पहला ट्रायंगल है जो हम यहां पे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर मीन्स फर्स्ट ट्रायंगल और एनी ट्रायंगल इज सिमिलर विद द सेकेंड ट्रायंगल। तो ये अगर हम देखते हैं इसके कुछ सिमिलरिटी के जो प्रॉपर्टीज है इसमें पहली प्रॉपर्टीज अगर हम देखते हैं तो वो आ जाएगी आपकी रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी। अब रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग इज सिमिलर विद द इटसेल्फ मींस एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर विद इटसेल्फ। वो खुद के साथ ही सिमिलर होता है जैसा ट्रायंगल एबीसी सिमिलर विद ट्रायंगल एबीसी। तो हर एक ट्रायंगल जो है वो खुद के साथ सिमिलर होता है, ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। दूसरी अगर हम प्रॉपर्टी देखते हैं उसे हम बोलेंगे सिमेट्री प्रॉपर्टी। अब सिमेट्री का मतलब होता है कि पहला ट्रायंगल अगर दूसरे जैसा होता है जैसा ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, पहला ट्रायंगल दूसरे के साथ सिमिलर है तो दूसरा वाला ट्रायंगल पहले के साथ सिमिलर होता है मींस ट्रायंगल पी क्यू आर आल्सो सिमिलर विद ट्रायंगल ए बी सी। दिस इज कॉल्ड अ सिमेट्री प्रॉपर्टी। अब तीसरी अगर प्रॉपर्टी देखते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांजिस्टिविटी। यह ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या होता है कि पहला वाला ट्रायंगल दूसरे के साथ सिमिलर होता है मींस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर विद ट्रायंगल पीक्यूआर, पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के साथ सिमिलर है देन दूसरा ट्रायंगल जो है वो तीसरे के साथ सिमिलर होता है। सपोज हम ले लेंगे यहां पे एसटीडी, तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर विद ट्रायंगल पीक्यूआर, ट्रायंगल पीक्यूआर सिमिलर विद द ट्रायंगल एसटीडी देन the first triangle and third triangle also similar, triangle ABC similar with triangle STD। तो ये similar triangle के properties है reflexivity, symmetry and transitivity। तो ये हिसाब से each and every triangle is similar with the itself, this is the reflexivity। First triangle similar with the second triangle, then second triangle similar with the first triangle, this is the symmetry। Transitivity, first triangle similar with the second triangle similar with the third triangle, then first and second also similar। तो ये हमारे similar triangle के कुछ test हैं।